हमारा समस्या है कि हमारे किसान भाइयों का पेमेंट नहीं हो रहा, जो हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, घर में जिनका कोई नौकरी वाला नहीं है, जो गन्ने डाल रहा मिल में, वो पैसे कहाँ से, स्कूल की फीस कहाँ से भरे। इस बात को मोदी जी सोचें, उत्तराखंड सरकार सोचे और यहाँ का मुख्यमंत्री सोचे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, श्री रावत जी। हमारे में कोई सर्विस मैन नहीं घर में, हमारे पास जो हम जो चीज़ उगा रहे हैं, गन्ना उगा रहे हैं, सब चीज़ उगा रहे हैं, और वहाँ जो हम हमारा पेमेंट नहीं मिल पा रहा, गन्ने डाल गा रहे हैं, चीनी मिल वाले ने चीनी बेच ली, हमारा पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा, कि नगर पेमेंट मिलना चाहिए हमें। यहाँ किसान यूनियन का धरना आया है, गन्ना मंत्री से बात करने के लिए गए हुए, पिछले साल का गन्ने का भुगतान वो नहीं मिला अभी तक, इस साल का भुगतान उसका कोई देने का नाम नहीं है। अब किसान को जो है मजदूर को भी पैसा देना, खेती में भी पैसा, डीजल है, खाद दवाई उसके लिए भी पैसा चाहिए, बच्चों की फीस है उसके लिए भी चाहिए, और उधर जो है बिजली के बिल वगैरह उनकी वसूली के लिए सरकार का दबाव बढ़ना है, बिजली वाले कनेक्शन काट रहे, तो ये बताओ पैसा कहाँ से दे रहे, जब हमें नहीं मिला पिछले साल का, अभी तक पैसा नहीं मिला, भुगतान नहीं किया। रोज अखबारों में भी आ रही कि भाई किसान को पेमेंट नहीं मिल रहा, गन्ने का रेट तो बढ़ा ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जो पैसा था ना तो पिछले साल का मिला ना इस साल का मिल रहा, कोई देने का नाम निशान ही नहीं है। किसानों का 250 करोड़ रुपया तो पिछले सीजन का बकाया है अभी, जो ये हरिद्वार की शुगर मिलें हैं, 3 मिलों में इन पर करीब 240 करोड़ रुपया बकाया, और लगभग इतना ही इस वर्ष का हो गया। आंदोलन करना पड़ेगा, सड़क भी जाम करनी पड़ेगी।